कल सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज खंडवा में चुनाव प्रचार करेंगे। कमलनाथ रैगांव में चुनावी सभा करेंगे। रैगांव विधानसभा के शिवराजपुर में कमलनाथ की रैली है। तो कल खंडवा में रहेंगे शिवराज, खंडवा में करेंगे चुनाव प्रचार, अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे, जबकि कमलनाथ रैगांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो ये दो दिग्गज चुनावी घमासान में शोर शोर से जुटे हुए हैं। रैगांव विधानसभा के शिवराजपुर में कमलनाथ की रैली है पूर्व सीएम की, और सीएम शिवराज खंडवा के दौरे पर रहेंगे। तो सीएम शिवराज खंडवा में चुनाव प्रचार करेंगे, रैगांव पहुंचेंगे पूर्व सीएम। तो चुनावी शोर जारी है, चुनावी प्रचार यहां पर जारी है, अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जा रही है। मसले कई हैं और इमरान खान हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, किस तरह से तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं, और चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, उनके समर्थकों के अलावा स्थानीय जनता किस तरीके से इस चुनाव प्रचार को देख रही है? इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो कमलनाथ रैगांव में चुनावी सभा करने वाले हैं और खंडवा में पहुंचेंगे सीएम शिवराज। तो सीएम और पूर्व सीएम ये लोग अब चुनावी सभा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज खंडवा में चुनाव प्रचार करेंगे और अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करेंगे। इमरान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, किस तरह से तैयारियां हैं वहां पर चुनाव प्रचार को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें आगे बढ़ते जा रही है, मैं बात करूं तो एक हफ्ते का समय बचा है और दोनों ही राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार धुएंधार प्रदर्शन जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। कल भी जो है खंडवा लोकसभा की 4 विधानसभाओं में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह साढ़े ग्यारह बजे जो है वो खंडवा विधानसभा की जावर में आएंगे और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जो है चुनावी सभा करेंगे। वही बात अगर मैं कांग्रेस की करूँ तो पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी जैसे तमाम नेता जो है खंडवा लोकसभा चुनाव के मैदान में जो है प्रचार कर रहे हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दल ने आखिरी समय में जो है अपना पूरा दमखम लगा दिया है इस सीट के लिए। बिल्कुल, पूरा दमखम यहाँ पर लगा दिया है और बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जोर शोर से चुनावी घमासान में एक दूसरे को चुनौती देते हुए ये दिग्गज जुटे हुए हैं।